A very awesome morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Myself Suman Maheshwari from Shiv Jyoti Educational Group Kota. So students, हमने पिछली कक्षा में स्वर अ से लेकर अह तक को लिखना और पढ़ना दोनों सीखा था. आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाली हूँ, वो है व्यंजन. क्या है व्यंजन? अब आप सोचेंगे ये व्यंजन क्या है, तो आपने क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ये सारे शब्द पढ़े हैं ना, तो इन्हें आज मैं आपको इसी व्यंजन क को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाऊंगी. तो सबसे पहले हम जो इससे रिलेटेड जो चित्र बने हुए हैं पहले हम उनको पढ़ते हैं. तो सबसे पहले क से कबूतर, क से कबूतर, क से कमल, क से कमल, क से कलश, क से कलश. तो इसी तरह से क से संबंधित बहुत सारे चित्र और उससे रिलेटेड जो शब्द है वो आप पढ़ सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले व्यंजन क को लिखना सीखेंगे. सो टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 10. अब आप सबसे पहले अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और दिनांक और कक्षा कार्य लिखना नहीं भूलेंगे. तो चलिए हम सीखते हैं व्यंजन क बनाना. तो सबसे पहले अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे, ओके. फिर इस बिंदु से हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे. क्या खींची हमने? एक सीधी रेखा, ओके. अब हम हमारी जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन कहाँ है? ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन. तो दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए बाईं ओर आधा गोला बनाते हुए इस आधे गोले को हम फिर से सीधी रेखा से मिलाते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे, ओके. चलिए हम फिर से बनाना सीखते हैं इसको. फिर अपनी इस पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके. फिर हमारी जो ये दूसरी लाइन है, पहली दूसरी, तो ये दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए बाईं ओर आधा गोला बनाते हुए इस गोले को सीधी रेखा से मिलाते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे, ओके. चलिए फिर से हम इसे बनाने का अभ्यास करते हैं. फिर से इस पेंसिल को उस बिंदु पर रखते हुए सीधी रेखा खींचेंगे, ओके. फिर हमारी जो दूसरी लाइन है इसके थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इसको फिर से सीधी रेखा से मिलाते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे. बनाया आपने ये सब? चलिए फिर से मैम एक बार और बनाना सिखा रही है. आप अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके. फिर हमारी जो दूसरी लाइन है, पहली और दूसरी, इस दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से यहाँ से सीधी रेखा से मिलाते हुए बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे और इस गोले को सीधी रेखा से मिलाते हुए बाहर की ओर छोड़ देंगे. आपने बनाया ये सब? अब हम व्यंजन क को पूरा बनाना सीखेंगे. चलिए फिर से पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे, इस बिंदु से हम सीधी रेखा खींचेंगे, ओके. फिर वही दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को फिर से सीधी रेखा के ऊपर मिलाते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाकर दाईं ओर घुमाते हुए इसको नीचे की ओर लेके आएंगे.
तो ये बन गया हमारा व्यंजन क। अब इसके ऊपर हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे, तो ये बन गया हमारा व्यंजन क। चलिए हम फिर से बनाना सीखते हैं। फिर हम अपनी पेंसिल को वापस इस बिंदु पर रखते हुए एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके। फिर दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब इस आधे गोले को फिर से सीधी रेखा से मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको दाईं ओर घुमाते हुए इसको नीचे की ओर ले आएंगे और इसके ऊपर फिर हम एक आड़ी रेखा खींच देंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन क। फिर से बनाना सीखे। चलो फिर से हम पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके। फिर दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। अब इस आधे गोले को फिर से सीधी रेखा से मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और इसको दाईं ओर घुमाते हुए इसको नीचे की ओर ले आएंगे और एक आड़ी रेखा इसके ऊपर खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन क। फिर से बनाना सीखें। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके। फिर दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से इस सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे और इस आधे गोले को घुमाते हुए हम सीधी रेखा से मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए इसको नीचे की ओर ले आएंगे और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन क। क्या बन गया ये व्यंजन क। तो चलिए अब हम इसको फिर से बनाना सीखते हैं। अब सब ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बनाएंगे। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे, इस बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, ओके। फिर हमारी दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, इस दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए एक आधा गोला बनाएंगे। इस गोले को हम फिर से सीधी रेखा पे मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए नीचे ले आएंगे और ऊपर एक आड़ी रेखा खींच देंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन क। चलिए फिर से बनाना सीखते हैं। फिर से हम अपनी पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे, इस बिंदु पर रखते हुए हम एक सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे, ओके। फिर हम दूसरी लाइन, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो इस लाइन के थोड़ा ऊपर से यहाँ से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। अब इस आधे गोले को फिर से सीधी रेखा के पास लाकर इसको ऊपर की ओर ले जाकर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए नीचे ले आएंगे और अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन क। क्या बन गया ये व्यंजन क। चलिए एक बार और बनाना सीखते हैं हम। पेंसिल को इस बिंदु पर रखेंगे और एक सीधी रेखा खींचेंगे। फिर हमारी दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से यहाँ से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। अब इस गोले को फिर से सीधी रेखा पे मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाकर पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए इसको नीचे की ओर ले आएंगे। अब इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। ये बन गया हमारा व्यंजन क। चलिए अब हम इसे और सुंदर बनाना सीखते हैं। पेंसिल को इस बिंदु पर रखते हुए सीधी रेखा खींचेंगे। फिर
हमारी दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इस दूसरी लाइन के थोड़ा ऊपर से सीधी रेखा से मिलाते हुए पेंसिल को बाईं ओर घुमाते हुए आधा गोला बनाएंगे। अब हम इस आधे गोले को फिर से सीधी रेखा पे मिलाते हुए ऊपर की ओर ले जाते, पेंसिल को दाईं ओर घुमाते हुए नीचे की ओर ले आएंगे, तो और अब हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो ये बन गया हमारा व्यंजन क। क्या बन गया ये व्यंजन क। तो आज आपने नई चीज सीखी ना बनाना, व्यंजन क। सो स्टूडेंट, आपको अपनी इस हिंदी वर्कबुक 1 में पेज नंबर 10 एंड 11 दोनों पेज पर आपको व्यंजन क बनाना सीखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और पेज नंबर 9 पर ये जो क से रिलेटेड जो ये चित्र बने हुए हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।